नतीजों के पहले एक तरफ क्षत्रिय दलों की सरकार और दूसरी तरफ राहुल गांधी की सरकार बनाने की जोरदार मुहिम चल रही है। चुनाव प्रचार से फारिग होते ही नेता अब इसी गुणा भाग में लगे हैं। केजरीवाल से लेकर सलाखों के पीछे बैठे लालू प्रसाद तक, मायावती से लेकर पूर्व पीएम देवेगौड़ा तक और ममता से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक भागम भाग मचाए हैं। लेकिन इन सबसे अलग ओडिशा में बैठे नवीन पटनायक का नाम भी उनकी पार्टी ने आगे बढ़ा दिया है। बीजेडी सरकार के मंत्री सूर्य नारायण पात्रो ने नवीन पटनायक को पीएम पद का सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। मतलब ये कि क्षत्रिय दलों के पीएम पद के दावेदारों में एक और नाम जुड़ गया, नवीन पटनायक का। नवीन पटनायक की दावेदारी पेश करते हुए पात्रो ने एक बड़ी बात कह दी कि पीएम बनने के लिए कांग्रेस का समर्थन नहीं लेना है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि कांग्रेस क्षत्रिय दलों की सरकार तो बनवा देती है लेकिन जल्द उसे गिरा भी देती है। इस मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड बेहद खराब है। माना जा रहा है कि नवीन पटनायक की इसी दावेदारी ने उन क्षत्रिय पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है जो बात तो तीसरे मोर्चे की सरकार की करते हैं लेकिन असल में वो काम राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए तीसरे मोर्चे की जो भी बातें हो रही हैं पर्दे के पीछे वो खेल सोनिया की टीम ही कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।